गुड मॉर्निंग एवरी वन, दिस इज मीनाक्षी भूरिया बिफोर यू। हम कर रहे थे 10th क्लास के साइंस का चैप्टर नंबर 6, लाइफ प्रोसेसेस, जिसका एक पार्ट हम कवर कर चुके हैं। सेकंड पार्ट आज हम करेंगे। इसमें मैं आपको एक्टिविटीज़ कराने वाली हूँ। देखिए, आप इसको इतना लाइटली मत लीजिएगा कि एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज़ कोई इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। आपके 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन थियरी एग्जाम में इन्हीं से पूछे जाते हैं, और प्रैक्टिकल तो आपका एडिशनल है ही 20 मार्क्स का, तो आप थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। लास्ट लेक्चर हमारा था, उसमें मैंने आपसे पूछे थे 2 क्वेश्चंस, जिसमें पूछा था कि क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है और किस में एब्सेंट होता है। दूसरी बात पूछी थी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किस में अक्कर होती है और किस में नहीं होती है। ऑटोट्रॉप्स जब मैं आपको बता रही थी, मैंने आपको बताया था कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है ऑटोट्रॉप्स में, मतलब कि जहाँ पर ग्रीन प्लांट्स आते हैं। और 9th क्लास का जब हमने सेल वाला चैप्टर किया था, उधर हमने 2 स्ट्रक्चर किए थे, एक प्लांट सेल का और एक एनिमल सेल का। हमने वहाँ क्या देखा था कि क्लोरोफिल है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, और प्लांट सेल किसका एग्जांपल है, ऑटोट्रॉप्स का। देखिए, जो ये क्लोरोप्लास्ट है, ये एक सेल ऑर्गेनली है। क्या है? ये एक सेल ऑर्गेनली है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल ही वो पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्पफुल होता है। तो आपको क्या पता चला कि क्लोरोफिल का घर कौन है? क्लोरोप्लास्ट। और ये क्या काम करता है क्लोरोप्लास्ट? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं हेटरोट्रॉप्स की। हेटरोट्रॉप में ना तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोफिल वहाँ पे रहेगा कहाँ से? अब किसी का घर ही नहीं है तो वो उस घर में कोई रहेगा? नहीं रहेगा। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी यहाँ पे नहीं हो पाएगी। अब एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी है हमारी स्टार्च टेस्ट के लिए, जो टेस्ट हमने किस में करना है? वेरीगेटेड लीव्स में। वेरीगेटेड लीव्स में क्या है, किस किस मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी? पहली बात, इसमें हमें एक पोटेड प्लांट चाहिए वेरीगेटेड लीव्स जिसमें लगी हो। वेरीगेटेड लीव से क्या मतलब है? वेरीगेटेड लीव से मतलब है जिसमें 2 or more than 2 कलर्स जो होते हैं ना लीफ में प्रेजेंट, जैसे कि हमारा मनी प्लांट ले लिया, उसमें आपको कुछ पैचेस नज़र आएंगे वाइट कलर के, ग्रीन कलर के, तो ऐसे लीव्स को वेरीगेटेड लीव बोला जाता है। तो हमने एक प्लांट लिया, दूसरा हमने बीकर लिया, बॉइल्ड वाटर चाहिएगा, अल्कोहल चाहिएगा, वाटर बाथ चाहिएगा, बंसन बर्नर चाहिएगा जिससे कि हम वाटर को बॉईल कर सकें, डाइल्यूट सॉल्यूशन चाहिएगा आयोडीन का, और एक ट्रेसिंग पेपर चाहिएगा। अब प्रोसेसर क्या फॉलो करेंगे? हमने पोटेड प्लांट लिया जिसमें कि वेरिगेटेड लीव्स लगी हुई हैं। जैसे हमारा कोई एग्जांपल हो सकता है मनी प्लांट का या क्रोटोन्स का, इसमें से कोई भी प्लांट ले सकते हैं आप, ये नहीं है तो कोई दूसरा भी प्लांट जिसकी लीफ वेरिगेटेड हो। अब हमने क्या किया, इस प्लांट को 3 डेज के लिए डार्क में रखा। डार्क में क्यों रखा? जब हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की थी, उधर हमने क्या पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बाद ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है। जो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म तुरंत यूज़ कर ली जाती है वो तो ग्लूकोज की फॉर्म में कर ली जाती है, लेकिन जो तुरंत यूज़ नहीं की जाती वो स्टोर हो जाती है स्टार्च की फॉर्म में। अब ये स्टार्च उस वक्त काम आता है जिस वक्त प्लांट अपना खाना नहीं बना पाते, किसी वजह से किसी चीज़ की कमी हो जाए, जैसे सनलाइट की, वाटर की, या किसी भी चीज़ की जो भी उसके लिए असेंशियल है, तो ये स्टार्च यूज़ कर लिया जाता। अब 3 डेज के लिए अगर उसे सनलाइट नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो होने से रही, तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, तो ये क्या करेगा, प्लांट अपना स्टार्च यूज़ करेगा। 3 डेज के बाद हम उस प्लांट को सनलाइट में रखेंगे 6 आवर्स के लिए। 6 आवर्स के लिए सनलाइट में इसलिए रखा कि अब वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, रिजर्व तो उसका यूज़ हो ही चुका, अब वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा आगे। कुछ टाइम के बाद, मतलब कि 6 आवर के बाद, हम एक लीफ तोड़ेंगे और इस लीफ को ट्रेसिंग पेपर पे रखेंगे और ट्रेस कर लेंगे। जहाँ पे ग्रीन पार्ट है ट्रेसिंग पेपर पे ग्रीन आ जाएगा, वाइट है वहाँ आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। उसके बाद हम इस लीफ का क्या करेंगे, पानी को बॉईल करेंगे, उसमें कुछ मिनट्स के लिए डाल देंगे, देन इसको इमर्स कर दिया जाएगा जिसमें कि अल्कोहल है, जिस बीकर में अल्कोहल है उसमें इस लीफ को डाल दिया जाएगा। अब बीकर जिसमें अल्कोहल है और लीफ है उसको वाटर बाथ में रख दिया जाएगा। वाटर बाथ क्या है, जिसमें पानी हमारा गर्म हो रहा है उसको हीट कौन प्रोवाइड कर रहा है, बंसन बर्नर। अब उसमें रखने के बाद कुछ टाइम तक हम ऑब्जर्व करेंगे, बॉईल हो रहा है अल्कोहल, अल्कोहल बॉईल हो रहा है तो लीफ का जो कलर है वो भी चेंज हो रहा है, और जो सॉल्यूशन मतलब कि जो अल्कोहल है उसका भी कलर चेंज हो रहा है। अब इस लीफ को वहाँ से निकाल के
एक डाइल्यूट सॉल्यूशन जो आयोडीन का हमने तैयार किया था कुछ मिनट्स के लिए उसमें डाल देंगे, या फिर उसके ऊपर हम वो सॉल्यूशन डाल देंगे कुछ मिनट्स के लिए। अब इस जो आयोडीन का सॉल्यूशन है इसको तो फेंक दिया जाएगा कुछ मिनट के बाद। एक बार डिप किया हमने लीफ, थोड़ी देर के लिए लीफ निकाली अपनी और आयोडीन के सॉल्यूशन को रिंस कर दिया। अब हम कलर ऑब्जर्व कर रहे हैं ट्रेसिंग पेपर जो हमने ट्रेस किया था लीफ का, और दूसरा अब हमारे पास जो ओरिजिनल लीफ है इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करने पे हमें क्या पता चलेगा, आयोडीन का जो रिएक्शन है वो स्टार्च के साथ होता है और ब्लू कलर का प्रोडक्शन करता है। ब्लू कलर का प्रोडक्शन होगा मतलब हमें पता चलेगा कि स्टार्च की प्रेजेंस वहाँ पे है। अब दूसरी बात कि ग्रीन एरिया जो लीफ का है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ये क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्पफुल होता है। इस पिगमेंट को सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है तभी ये कार्बोहाइड्रेट बना पाता है। वाटर का भी यूज़ करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ करता है, मतलब कि पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो हम पढ़ चुके हैं वो आपको पता ही है। तीसरी बात क्या है, इससे हमें क्या पता चला, जब हमने ये डेमोन्स्ट्रेट किया तो हमने पाया कि क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही जरूरी है। ये क्लोरोफिल है सोल्यूबल होता है अल्कोहल में, क्योंकि जब हम बॉईल कर रहे थे अल्कोहल को उसमें कलर चेंज हो गया था, ग्रीन कलर जो था हमारा उधर ही आ गया था अल्कोहल में। देन क्या है, ग्रीन कलर है जो प्लांट का वो क्लोरोफिल की ही वजह से होता है। हमने ये ऑब्जर्व किया, देखिए ये हमारी ट्रेसिंग लीफ है और ये हमारी जो स्टार्च टेस्ट कर लिया हमने उसकी लीफ है। यहाँ पे आपको ब्लूइश कलर नजर आ रहा है, ठीक है, ये ट्रेसिंग पेपर वाली लीफ है। ये आपका बीकर है, ये आपका बीकर अंदर वाला, इसमें अल्कोहल है, ये लीफ है आपकी, ये बंसन बर्नर है, ये वाटर है जिसमें पहले हमने बॉईल किया था, और ये बंसन बर्नर, बंसन बर्नर कुछ अलग चीज नहीं है, एक कंटेनर है जिसमें हमने पानी डाल रखा है और उसको बॉईल करते हैं, उसमें हम बीकर रख सकते हैं, डायरेक्टली हम इसको हीट नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए ये पैट्रिक डिश है, आयोडीन का सॉल्यूशन जिसमें है। ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। अब हम चलते हैं सेकंड एक्सपेरिमेंट की तरफ। इधर हमें क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड असेंशियल है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए ये पता करना है। क्या प्रोसेसर फॉलो होगा, रिक्वायरमेंट चीजों की वही है जो पिछली एक्टिविटीज में थी, एक्टिविटी में थी। प्रोसेसर क्या है, हमने टू हेल्दी प्लांट लिए जो कि अप्रोक्स सेम साइज के थे, इनको भी हमने 3 डेज के लिए डार्क में रखा। हमने फिर क्या किया, इन प्लांट्स को अलग अलग रखा और एक प्लांट के पास हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया। एक पैट्री डिश ली या फिर ग्लास प्लेट कुछ भी लिया, उसमें हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा एक प्लांट के पास और दूसरे के पास नहीं रखा। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है जो उसके आसपास कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है उसको। अब एक के पास हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा और उन दोनों को बैल जार से कवर कर दिया। उसके बेस पे, बैल जार से कवर करने के बाद उसके बेस पे हमने वैसलीन लगा दी जिससे कि वो एयर टाइट हो जाए, मतलब कि वहां पे एयर ना जा पाए, जितनी एयर वहां पे प्रेजेंट थी उसी से हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब 2 घंटे के लिए इसे धूप में रख दिया जाएगा। पहले 3 डेज के लिए तो हमने डार्क में रखा, अब इसको 2 आवर्स के लिए सनलाइट में रखेंगे। तो हम चेक करेंगे कि स्टार्च की प्रेजेंस है या नहीं है, जैसे कि हमने प्रीवियस एक्टिविटी में किया था, और है तो कितनी है। अब हमने क्या किया, ग्रीन कलर है क्लोरोफिल का, लीफ जो थी ग्रीन कलर की हमारी, उसको बॉईल किया था अल्कोहल में सेम एज प्रीवियस एक्टिविटी, वही हमने नोटिस किया कि वो अल्कोहल में कलर आ जाता है। ये डिकलराइज्ड जो लीफ होती है इस पे हमने पोर किया आयोडीन का सॉल्यूशन, या फिर हमने इसमें डिप कर दी हमारी लीफ। फिर हमने ऑब्जर्व किया लीफ के कलर को, तो ऑब्जर्व देखो ये बैल जार है, ये दोनों हमारे प्लांट है, इधर प्लांट हमारा कोई भी हो सकता है। इसमें भी देखिए हमारी आपको थोड़ा सा येलोइश नजर आ रही है ये लीफ, थोड़ा सा तो वेरिएशन होना चाहिए लीफ का ताकि हमें पता चले कि क्लोरो फिल है वो कहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट है और कहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, और स्टार्च कहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट है। अब रिजल्ट क्या आया कि जिसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था उधर कलर चेंज नहीं हुआ, ब्लू से ब्लैक जो कलर, ब्लू ब्लैक सा कलर जो है वो नहीं आया, जबकि हमने उस पर आयोडीन का सॉल्यूशन डाला। इसका मतलब क्या है,
कि जहाँ पे स्टार्च होगा वहीं पे ब्लू ब्लैक कलर आएगा, जहाँ पे स्टार्च नहीं होगा वहाँ पे कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। लेकिन हम दूसरे प्लांट की बात करें जिसमें कि हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा था, वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर आपको नज़र आएगा जब हम उस पर आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे, तो मतलब कि वहाँ पे स्टार्च की प्रेजेंस थी। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आया? देखिए, हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसलिए रखा था कि वहाँ पे जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उस बेल जार के अंदर वो एब्जॉर्ब कर ली जाए। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा था, CO2, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, सारी चीज़ें उतनी ही इक्वली इम्पोर्टेंट है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। अगर इसमें से एक भी चीज़ की कमी होगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, मतलब कि हमारा ग्लूकोज नहीं बन पाएगा। तो वही हुआ, ग्लूकोज नहीं बन पाएगा तो स्टार्च की तरह, रिजर्व फूड की तरह वो स्टोर भी नहीं हो पाएगा। तो वही हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड की एब्सेंस थी तो उसके लिए रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस का नहीं मिल पाया और स्टार्च नहीं फॉर्म हो पाया। कंक्लूजन क्या निकला कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इम्पोर्टेंट है, उसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। नेक्स्ट एक्टिविटी में चलते हैं, ये हमारी रेस्पिरेशन वाली एक्टिविटी है। इसमें हमने क्या पता करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है जब हम एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल मतलब एक होता है इंस्पिरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन, मतलब ऑक्सीजन का इनटेक क्या है, इंस्पायरेशन, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं वो एक्सपायरेशन या फिर एक्सहेल्ड एयर बोल सकते हैं जिसे हम। इसमें क्या करेंगे, हमने एक लाइम वाटर तैयार किया, टेस्ट ट्यूब में डाला। अब दो टेस्ट ट्यूब हैं हमारे पास, एक में हम अपने माउथ से वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी, जब हम उसमें एयर डालने की कोशिश करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी क्योंकि हम एक्सहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और एक हम पिचकारी लेते हैं, पिचकारी से उसमें एयर डालने की कोशिश करेंगे। तो आप क्या देखेंगे, आपको नोटिस करना है कि दोनों में क्या डिफरेंस नज़र आता है। पिचकारी वाले से आप पंप कर रहे हैं तब, और अपने माउथ से जब वहाँ पे एयर डालने की कोशिश कर रहे हैं तब, तो आप देखेंगे जो माउथ से हम एयर डाल रहे थे उधर आपका मिल्की टर्न हो जाएगा, लाइम वाटर है वो मिल्की टर्न हो जाएगा, जबकि पिचकारी वाला इतना जल्दी टर्न नहीं होगा क्योंकि हमारे एटमोसफेयर में CO2 कंपैरेटिवली बहुत कम है, जबकि हम जब एक्सहेल करते हैं तो भरपूर मात्रा में आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, तो इसलिए वो जल्दी टर्न हो गया है मिल्किश। लेकिन जब पिचकारी की बात करें तो शायद आपको नज़र भी ना आए कि वो मिल्किश टर्न हो गया, क्योंकि बहुत ही कम अमाउंट में बहुत ज़्यादा टाइम तक हमें पिचकारी को चलाना पड़ेगा, तब हो सकता है कि वो मिल्की टर्न हो। तो इससे क्या पता चलता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सहेल्ड एयर जो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देती है, मतलब एक्सहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। ये आप एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं इधर, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ होगा। देन बात करते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की। इसमें क्या है, ये शो करता है कि जब फर्मेंटेशन होती है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड का इवॉल्व होती है, मतलब कि बाहर निकलती है। अब हमने क्या किया, फ्रूट जूस लिया या फिर शुगर का सॉल्यूशन लिया, ये रॉ मटेरियल है ईस्ट की डेवलपमेंट के लिए कि इनके प्रोसेस को फास्ट कर सकें, ज़्यादा अमाउंट में ईस्ट का प्रोडक्शन करना हो तो हम शुगर का जो सॉल्यूशन है वो ले लेते हैं और उसमें ईस्ट को डाल देते हैं। हमने एक जूस लिया या फिर शुगर का सॉल्यूशन बोले वो लिया, इसमें क्या किया, टेस्ट ट्यूब में हमने डाल दिया जिसमें कि एक होल था, एक कॉनिकल फ्लास्क ले रखा है इधर, देखो ये कॉनिकल फ्लास्क है, हमने इसमें शुगर का सॉल्यूशन डाले या फिर फ्रूट जूस कोई भी डालेंगे, फिर हम इसमें ईस्ट डाल देंगे थोड़ा, और एक यूट्यूब, यूट्यूब ये आपको नजर आ रही है, इस ट्यूब को हमने दूसरा जो एक फ्री एंड है उसको कहाँ डालते हैं, जिसमें कि लाइम वाटर है, एक बीकर लिया जिसमें कि लाइम वाटर है उसका यूट्यूब का एक एंड लाइम वाटर में डालेंगे और दूसरा एंड जहाँ पे हमारा शुगर का सॉल्यूशन है उसमें डालेंगे और कॉर्क फिट कर देंगे ताकि बाहर से कोई एयर इनटेक ना हो पाए या फिर बाहर ना जा पाए। अब क्या करते हैं, जैसे जैसे ईस्ट अपनी नंबर बढ़ाती है, उनकी ग्रोथ होती है ना शुगर का सॉल्यूशन यूज़ करके, वो अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन करते हैं, और जितना नंबर उनका इंक्रीज होगा उतनी ही जल्दी लाइम वाटर मिल्की टर्न हो जाएगा। और जितना अमा ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, एक तो इस बात पे कि शुगर का सॉल्यूशन कितना कॉन्सेंट्रेटेड था और दूसरा कि यीस्ट हमने कितने अमाउंट में डाली थी, इस चीज़ पे ये डिपेंड करता है। और इस
प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ईस्ट की जो नंबर इंक्रीज होती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। और इस फर्मेंटेशन की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड की भरपूर मात्रा में रिलीज होता है, और जिसकी वजह से लाइम वाटर मिल्की टर्न हो जाता है, यही बताया गया है। तो रिजल्ट क्या मिला कि लाइम वाटर है मिल्की टर्न हो जाएगा। और ये चीज, एक दूसरा क्वेश्चन क्या था कि ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा इस चीज़ को कन्वर्ट होने में, मिल्की टर्न होने में। ये डिपेंड करता है कि कितना हमने उसमें यीस्ट डाला और कितना शुगर का सॉल्यूशन डाला है। और तीसरा हमें क्या पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड है जो वो रिलीज होती है फर्मेंटेशन की प्रोसेस के ड्यूरेशन में। ये हमारी एक्टिविटी थी, जो मेन मेन थी, चार एक्टिविटी। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं टेलीग्राम पे, आपको मैं पीडीएफ अभी तो मैंने प्रोवाइड नहीं की है, पीडीएफ डाल दूंगी। इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक पेज है मीनाक्षी एडुपॉइंट के नाम से, आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।